ये भाई ये रूबिका लियाकत कौन है? मुस्लिम लड़की हैं, रोजाना टीवी चैनल पर आती हैं और 50-50 हज़ार की ड्रेसेस पहनकर आती हैं। ये मोदी साहब से भी चार कदम आगे। इनका मेकअप इतना कीमती और इतना भारी मेकअप होता है कि उसकी कीमत तो आप छोड़ ही दीजिए। ये एंकर तो मुझे नहीं लगती, ये या तो मॉडल हैं या एक्टर हैं, ये एंकर तो नहीं है, किसी भी एंगल से एंकर नहीं है। आप चिल्ला चिल्ला कर टीवी चैनल पर एक कौम को बदनाम कर रही हैं। आप खुद मुसलमान हैं पर आप मुसलमान होने के बावजूद मुसलमानों को ही अक्यूज ठहरा रही हैं। रात दिन जमाती जमाती मुसलमान मुसलमान। इनके साथ और भी दो तीन लड़कियां हैं मुस्लिम। इन तीनों ने तो एक इनका एजेंडा है कि इन्होंने मुसलमानों को गालियां देनी देनी है, मुसलमानों के खिलाफ देश भर में नफरत फैलानी ही फैलानी है। ये किसी एजेंडे पे काम कर रही हैं। इनकी पिछले 1.5 महीने की जितनी एंकरिंग है उसकी अगर पुलिस जांच करे तो साबित हो जाएगा कि ये देश को तोड़ने का प्रयास कर रही हैं। इस साजिश के पीछे कौन है ये भी जांच का विषय है। आप एक कौन कोई रात दिन निशाना बनाएंगी? और इन चैनल वालों के 5-6 चैनल हैं, 5-6 चैनल हैं और इन चैनल वालों के जो मालिक हैं एडिटर हैं वो अपने आप सब कुछ नहीं कर रहे, ये सब कुछ अपने आप नहीं हो रहा, ये देश को तोड़ने की साजिश रची जा रही है। कोरोना, जब से कोरोना वायरस का मामला आया है, जमातियों का मामला आया है, जमाती मस्जिद मुसलमान देश को तबाह कर दिया, देश को तोड़ दिया, देश के अंदर कोरोना फैला दिया। एक कौम को आप रात दिन जलील कर रही हैं और कोई काम नहीं है देश में, और खबरें नहीं है देश में, और कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ मुसलमान ही मुद्दा है। ये रोका जाना चाहिए, इसे फौरन रोकना होगा। ये देश सबका है, हिंदुओं का है, मुसलमानों का है, सिखों का है, ईसाइयों का है, दलितों का है, पिछड़ों का है, सबका है। ये देश किसी एक जात का नहीं है। जमाती ही तो देश के गद्दार हैं, कोरोना फैलाने वाले हैं, इनके विदेशों से इनका पैसा आता है, बाकी धर्मपुत्र युधिष्ठिर हैं, बाकियों के पास पैसा नहीं आता। सबकी जांच होनी चाहिए, सबका पता लगना चाहिए कि पैसा किसको कहां कहां से आता है। आप एक कौम को टारगेट कर रहे हैं, देश के अंदर नफरत फैला रहे हैं, देश का भाईचारा आप तोड़ने पर लगे हैं। ये देश बहुत मुश्किल से आजाद हुआ था, बहुत कुर्बानियां दी थी। ये मेकअप करके अच्छी अच्छी सुंदर ड्रेस पहन के और चिल्ला चिल्ला कर मुसलमानों के खिलाफ माहौल बनाना बंद करो, इसको देश बर्दाश्त नहीं करेगा। धन्यवाद।